होली एक ऐसा त्यौहार है जिसका जिक्र आते ही बचपन याद आ ही जाता है। इसी सिलसिले में होली की रंग बिरंगी यादों से सजी एक चिट्ठी है जिसमें बचपन पूरी शिद्दत से समाया है आईने की तरह। शायद आपको अपना और अपने किसी का रंग भरा चेहरा दिख जाए। आइए सुनते हैं इस चिट्ठी को, आखिर क्या कहा है एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को। प्रिय मिया, ओ नहीं, यह तो तुम्हारे घर में प्यार से पुकारे जाने वाला बचपन का नाम है। तुम्हारा पूरा नाम तो कुछ और है, क्या था? बचपन की मित्रता को असल नाम पता ही कब होता है? उन्हें या तो वह नाम पता होता है जो घर का नाम होता है, मुन्ना, गुड्डू, कालू, या फिर वह नाम जो बचपन की गहरी दोस्ती खुद ही रख देती है, जैसे डब्बा, सुमड़ा, झल्ला और न जाने क्या क्या। क्या था तुम्हारा असली नाम? देखो, मैं तुमको अब तू कहकर भी संबोधित नहीं कर पा रहा हूँ। बचपन में तो कभी तुम नहीं कहा और अभी जाने क्यों झिझक हो रही है? अरे हाँ, याद आया, कमर हसन नाम है तुम्हारा। अभी जब कुछ दिनों पहले किसी फिल्म में वह गीत आया था ना, मेरे रश के कमर, तो मेरे बच्चे उसमें कमर का मतलब कमर समझ रहे थे। फिर मैंने ही उन्हें बताया था कि इस नाम का मेरा एक बहुत गहरा दोस्त था बचपन में। इस कमर का मतलब कमर नहीं, चांद होता है। फिर मैंने उन्हें कमर का उच्चारण करना भी सिखाया था कि कमर को कैसे बोला जाता है। याद है जब बचपन में पहली बार तुम्हारा पूरा नाम और उसका अर्थ पता चला था, तो मैंने तुम्हें छेड़ते हुए कहा था कि चांद जैसा तो कुछ भी नहीं है तुम्हारी सूरत में, फिर ये नाम क्यों रख दिया? तुम जैसे काले कलूटे बैंगन लूटे का। तुम बुरी तरह से चिढ़ गए थे, मैं बार बार चिढ़ाता रहा, तुम चिढ़ते रहे, और जाते जाते मुझे एक पत्थर मार गए थे जो मेरे माथे पर लगा था। आज भी वहां एक निशान बाकी है, बचपन की यादों की निशानी के रूप में। यही निशानियां तो जिंदगी का सरमाया होती हैं। अगर ये नहीं हो तो जिंदगी में एक समय के बाद बाकी ही क्या रह जाएगा। आज भी जब माथे पर हाथ फेरते हुए उस चोट के निशान पर उंगलियां जाती हैं, तो बरबस तुम्हारी और उस सुहाने बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। प्रिय कमर हसन, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। एक बात कहूँ, अगर बुरा ना मानो, मैं तुम्हें मियाँ ही कहकर पुकारूं और तू से ही संबोधित करूं। आज मन कर रहा है कि वापस बचपन में लौट जाऊं। मियाँ, आज तेरी बहुत याद आ रही है, बहुत का मतलब सचमुच बहुत। आज होली है, मेरे बच्चे जो अभी उसी उम्र के हैं जिस उम्र में हम दोस्त बने थे, होली के दिन घर में बैठे टीवी देख रहे हैं और मैं छत पर कुर्सी लगाकर बैठा तुझे याद कर रहा हूँ। होली जो तेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार हुआ करता था, कुफर ना हो तो कह दूं कि शायद ईद से भी ज्यादा, क्योंकि तू बचपन में जितना शरारती, बदमाश और या यूं कहें कि शैतान होता था, उस हिसाब से तेरे स्वभाव को सबसे ज्यादा होली का त्योहार ही सूट करता था। तेरी शरारतें होली का स्पर्श पाकर होली की आग की तरह भड़क उठती थी। अरे हाँ, होली की आग से याद आया, होलिका दहन की पूरी रात सारा मोहल्ला होता था और तू होता था। किसके घर की छत पर गोबर के उपले रखे हैं, किसके घर के बाहर कहाँ लकड़ियां छिपा कर रखी गई हैं, टूटी कुर्सियां, खाट, मतलब यह है कि होलिका दहन की रात से पहले ही पूरा होमवर्क करके तू तैयार रहता था। और फिर होलिका दहन की रात बस तू होता था और पूरे मोहल्ले के घरों में छिपाई गई लकड़ियां, उपले और लकड़ी के दूसरे सामान। और अगले 2-3 दिनों तक मोहल्ले वालों की तेरे अब्बा जी से शिकायतें और अब्बा जी की जूतियों से तेरी टुकाई। याद है तूने बूढ़ी सरजू माई के घर के बाहर रखे एक एक गोबर के उपले को होली में डाल दिया था। अगले दिन सरजू माई सुबह से तेरे घर के बाहर धरना देकर बैठ गई थी। कैसी कैसी गालियां दे रही थी, कोस रही थी। अब्बा जी शर्मिंदा होते हुए माफी मांग रहे थे और तू दिन भर हमारे घर में छिपा रहा था। और वो जब तूने स्कूल में सबसे ज्यादा तुझे परेशान करने वाले राठौर मास्टर साहब के घर के बाहर रखी हुई बेंच होली में डाल दी थी, और तू उनके आंगन में लगे पपीते के पेड़ से सारे पके हुए पपीते तोड़ लाया था,
जिनकी हमने होलिका दहन की रात में पार्टी की थी। सुबह जब राठौर मास्टर साहब होलिका की पूजन करने आए थे तो सबसे ऊपर जल रही अपनी बेंच को देखते ही आग बबूला हो गए थे। उसके बाद स्कूल में हर दूसरे दिन तेरी पिटाई होती रही। सुबह होलिका दहन करके सोए हुए हम लोग 2 घंटे भी नहीं सो पाते थे कि तुझे रंगों वाली होली चढ़ जाती थी। मोहल्ले में रंग लेकर निकलने वाला सबसे पहला तू ही होता था। मैंने आज तक किसी को इतने जुनून के साथ होली खेलते नहीं देखा जिस प्रकार तू होली खेलता था। सोए हुए दोस्तों को रंग देना, फिर उनके साथ लेकर अगले के घर दावा बोलना। सच कहूँ मियाँ, कभी कभी सोचता हूँ कि बचपन की उन होलियों में तू नहीं होता तो शायद आज इतनी यादें भी मेरे पास नहीं होती होली की। दोपहर होते होते तक तो काले, लाल, पीले रंगों में रंगा हुआ तू शैतान हुरियारे में बदल जाता था। तुझे पता था कि मोहल्ले में कौन कौन ऐसे हैं जो होली में रंगों से चिढ़ते हैं। वे सब तेरा टारगेट पर रहते थे। शाम से पहले उन सबको रंग देना तेरे लक्ष्य होता था और इसमें तू अधिकांश सफल भी होता था। और यह भी सच था कि इसका परिणाम वही होता था, अब्बा जी की जूतियां और तेरा सर। मगर तू कभी नहीं बाज आया क्योंकि तुझे हमारे बचपन की होलियों में इस प्रकार की मीठी मीठी यादों के रंग जो भरने थे। मेरे सामने एक पुराना एल्बम खुला हुआ रखा है जिसमें होली की फोटो में हम में से कोई भी पहचान नहीं आ रहा क्योंकि तू एक एक दोस्त को जब तक 10-10 बार रंग नहीं लेता था तुझे चैन कब पड़ता था। कभी काला रंग, कभी लाल, कभी केसरिया। आज अम्मी जी की भी बहुत याद आ रही है। जब दोपहर ढलने पर हम लोग थक कर चूर हो जाते थे और भूख से बेहाल होकर तेरे घर के आंगन में इकट्ठा होते थे, अम्मा जी प्लेटों में भर भर कर केसरिया मीठे चावल देती थी। उन प्लेटों पर हम पागलों की तरह टूट पड़ते थे। अम्मी की सबर से खाने की मीठी झिड़कियां भी सर झुकाए साथ में खाते जाते थे। खाने के तुरंत बाद अम्मी जी एक बड़े बर्तन में हम सबके लिए बेसन का उपटन बना देती थी और तुरंत जाकर नहाने का आदेश मिल जाता था। हम सब दौड़ते हुए नदी की तरफ निकल जाते थे। बेसन के उपटन से थोड़ा बहुत रंग निकल जाता था लेकिन बहुत दिनों तक रंग का असर हमारे चेहरों पर दिखता था। आज इतनी बातें इसलिए याद आ गई कि इस बीच कितना समय बह गया, कितना कुछ बदल गया इस बीच में। अब तेरे बच्चे होली खेलने की बात शायद सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। मेरे बच्चे भी ईद पर घर पर ही रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कभी वो कहें कि वो अपने दोस्त के घर ईद मिलने और सेवैयां खाने जा रहे हैं, मगर अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तुझे भी होली के दिन उस बचपन की याद तो आती ही होगी, तेरे उस सबसे पसंदीदा त्योहार की। हमारे बच्चे अब बहुत दूरियों पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे हैं, इसलिए मेरे बच्चों के लिए ईद और तेरे बच्चों के लिए होली अजनबी त्यौहार है, या यूं कहें कि गैर मजहब के त्यौहार। ऐसा कैसे हो गया मियाँ कि त्यौहार मजहबों के हो गए? हमारे समय में तो नहीं होते थे त्यौहार, तो हम बच्चों के हुआ करते थे। हम सब के क्या ईद, क्या होली, क्या दिवाली। क्या हमारे समय का वह अच्छा समय हमारे बच्चों के नसीब में नहीं है? क्या दोस्ती का वह बचपन वाला सुख इनकी किस्मत में नहीं है? मियाँ, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ है आज। ना तेरा कोई अता पता मुझे मालूम है, ना कोई ठिकाना। बरसों बरस से हमें एक दूसरे की कोई खबर ही नहीं है। हम आज तू और मैं हो गए हैं, इसी कारण हमें एक दूसरे की कोई खबर नहीं है। आज होली के दिन बहुत शिद्दत से तेरी याद आई तो बस तुझे यह पत्र लिखने बैठ गया। मालूम है कि यह पत्र कहीं नहीं पहुंचेगा। बिना पते के पत्र कहीं नहीं पहुंचते। इन दिनों तू और मैं एक दूसरे के लिए लापता हैं, बिना पते वाले। फिर भी यह पत्र एक उम्मीद के साथ लिख रहा हूँ। लिख कर
इसे समय की अंधेरी खला में डाल दूंगा। कभी ना कभी समय का डाकिया यह पत्र तुझ तक पहुंचा देगा। ना जाने किस युग में, किस जन्म में यह पत्र तुझ तक पहुंचे। जब यह पत्र तुझको मिले तो थोड़ा सा गुलाल अपने काले कलूटे, बैंगन लूटे गालों पर लगा लेना। मैं जहां भी रहूंगा ठीक उसी वक्त चिल्ला कर कहूंगा, मेरे रश के कमर होली मुबारक, तेरे ही बचपन का दोस्त छुट्टू। सित्तू, यही कहकर चिढ़ाता था ना तू मुझे। अगर आपको होली के रंगों से भरी दोस्ती की यह चिट्ठी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।